कहानी लेखन। हम अक्सर एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। आपके माता पिता, दादा दादी आपको भी कहानियां सुनाते होंगे। नानी, चाची, मौसी भी यदा कदा कहानियां सुनाती होंगी। हम सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। समझदारी में बुद्धिमानी। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, समझिए और दी गई कहानी को पढ़िए। एक गांव के पास एक नदी बहती थी। नदी पर संकरा पुल था। एक बार पुल के दोनों ओर से दो बकरियां चलीं। दोनों बकरियां पुल के बीचों बीच आकर रुक गईं, क्योंकि पुल संकरा होने के कारण दोनों एक साथ पुल से नहीं गुजर सकती थीं। पहली बकरी ने झगड़ा शुरू किया कि वह पहले पुल पर आई है, इसलिए वह पहले पुल पार करेगी। दोनों बकरियों के बीच झगड़ा बढ़ गया और लड़ते लड़ते दोनों बकरियां पुल से नीचे गिर गईं। थोड़े दिनों बाद वह स्थिति दोबारा पैदा हुई। एक तरफ से भूरी बकरी आई व दूसरी तरफ से काली बकरी आई, परंतु ये दोनों बकरियां समझदार थीं। काली बकरी ने भूरी बकरी से कहा, बहन मैं बैठ जाती हूँ, आप मेरे ऊपर से निकल जाओ। भूरी बकरी ने काली बकरी की बात मान ली। अब काली बकरी बैठ गई व भूरी बकरी ऊपर से निकल गई। दोनों ने मिलकर समस्या का समाधान निकाला। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया।